जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 15 के बारे में, और साथ ही डिस्कस कर रहे हैं बीएससी बीएड सेकेंड ईयर फिजिक्स के यूनिट थर्ड के लेक्चर नंबर 15 के बारे में। और आज हमारा टॉपिक रहेगा एलसीआर युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। भी कहने का मतलब क्या है, भी आपके सामने किसी परिपथ के अंदर क्या, भी श्रेणी क्रम के अंदर क्या है, भी प्रेरकत्व और संधारित्र तथा प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, और उसमें क्या है भी प्रत्यावर्ती विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। तो आपको फाइंड करना है भी परिपथ के अंदर प्रत्यावर्ती विभवांतर तथा प्रत्यावर्ती धारा के मध्य क्या भी कलांतर क्या होता है, उस कलांतर को हमने क्या है भी आज फाइंड करना है। तो मानिएगा भी किसी परिपथ के अंदर क्या है भी एक कोयल लगी हुई है, संधारित्र लगा हुआ है, रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और उसको क्या है भी परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा क्या कही जाती है भी प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता के मध्य क्या है भी कालांतर क्या होगा, उसके बारे में आज हम क्या है भी डिस्कस करते हैं। माना क्या है भी किसी क्षण परिपथ के अंदर क्या है भी आई धारा प्रवाहित हो रही है, किसी क्षण क्या है भी परिपथ के अंदर क्या है भी आपकी आई धारा प्रवाहित हो रही है, तथा संधारित्र पर आवेश का मान क्या है भी क्यू है उसी टाइम के ऊपर। माना किसी परिपथ में टी समय पर क्या है भी आई धारा प्रवाहित हो रही है और संधारित्र पर आवेश का मान क्या है भी क्यू है, तो परिपथ में कुल विभवांतर क्या हो जाएगा, परिपथ में कुल विभवांतर क्या हो जाएगा भी आपका E के बराबर होगा। तो आपका कोयल के ऊपर विभवांतर क्या हो जाएगा भी L di upon dt, संधारित्र के सिरों पर विभवांतर Q upon C, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर I R, यही होगा आपका। इसको आप दे दो क्या है भी समीकरण नंबर 1 दे दो। ठीक है, अब माना किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा, माना किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित धारा वो क्या हो जाएगी भी आपकी I इक्वल टू I जीरो E की पावर जे ओमेगा टी, ये हो जाएगी भी आपकी क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है, अब क्या है भी इसका अवकलन कर दो टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्या हो जाएगा भी आपका di अपॉन dt i जीरो e की पावर j ओमेगा t, और ये j ओमेगा, यही चीज आएगी भी आपके। ठीक है, i जीरो j e की पावर j ओमेगा t आपका क्या हो जाएगा भी आपका i के बराबर है, तो j ओमेगा आई, इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो गए। ठीक है, अब किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी भी आपकी Q इक्वल टू क्या होता है भी, या I इक्वल टू क्या होता है भी आपका आवेश में प्रवाह की दर को क्या कहते हैं भी, धारा कहते हैं। तो dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा भी आपका
आई डी टी हो जाएगा। इस फैक्टर का आप क्या विस्माकलन कर दो तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा अभी आपका आई डी टी आ जाएगा, ये ही आएगा। तो किसी क्षण परिपथ में प्रवाहित आवेश की मात्रा Q इक्वल टू क्या हो जाएगी भी आपकी I dt हो जाएगी। क्लियर आपका यहां तक? I क्या है भी आपका, पुट कर दो Q इक्वल टू I जीरो e की पावर j ओमेगा t dt, I जीरो e की पावर j ओमेगा t का e की पावर j ओमेगा t अपॉन जी ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा अभी, ये किसके इक्वल होता है अभी आपका, आई क्या होता है तो आई अपॉन जे ओमेगा। ये दो चीज क्या है भी आपके सामने निकल के आ गए, दोनों की वैल्यू तो एक तो क्या है भी प्राप्त हुई, ये भी आपके सामने डी आई अपॉन डी टी प्राप्त हो गया और ए क्या है भी क्यू प्राप्त हो गया। ये वैल्यू क्या है भी इसके अंदर पुट कर दो, एक तो क्या प्राप्त हुआ है अभी आपका Q इक्वल टू आई अपॉन जे ओमेगा और एक आपका क्या प्राप्त हुआ है अभी डी आई अपॉन डी टी जे ओमेगा आई। ये दो चीज क्या है अभी आपके सामने फैक्टर प्राप्त हो गए। ठीक है, अब क्या है भी दोनों की वैल्यू क्या है भी अब वो इक्वेशन के अंदर क्या है भी पुट कर देते हैं। तो देखिएगा ई डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है भी जे ओमेगा आई एल क्यू अपॉन क्यू की वैल्यू क्या है भी आपकी आई अपॉन जे ओमेगा सी प्लस आई आर, ये ही आएगा। डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हो गई आपकी जे ओमेगा आई एल, क्यू क्यू की वैल्यू क्या है आपकी आई अपॉन जे ओमेगा है और ये वैल्यू पुट करते आई कॉमन ले लो आपका आर और क्या आ जाएगा अभी आपका जे ओमेगा एल और वन अपॉन जे ओमेगा सी, ये चीज आ जाएगी भी आपके। ठीक है, तो इक्वल टू आई आर आप इसको वन अपॉन जे ओमेगा से, वन अपॉन जे को क्या लिख सकते हो भी जे और जे से नीचे मल्टीप्लिकेशन, ऊपर जे से मल्टीप्लिकेशन, नीचे जे से मल्टीप्लिकेशन, जे स्क्वेयर का मान क्या होता है भी माइनस वन होता है, तो ये क्या आ जाएगा भी माइनस जे। तो इसको लिख सकते हैं भी जे ओमेगा एल वन अपॉन जे क्या हो जाएगा भी आपका माइनस जे, तो जे अपॉन ओमेगा सी। तो इक्वल टू आई आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, ये आ गई भी आपका। तो यहां से प्रतिबाधा क्या आ जाएगी भी, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर दो से मान लो तो प्रतिबाधा क्या हो जाएगी भी आपकी जेड इक्वल टू ई अपॉन आई, ई क्या है भी आपका यहां से ई अपॉन आई करेंगे तो ये आ जाएगा भी आपका आर प्लस जे ओमेगा एल वन माइनस ओमेगा सी। ठीक है, अब क्या है भी यहां से आर्गेंड ग्राफ को खींच लेंगे और आर्गेंड ग्राफ को खींच के क्या है भी यहां पे सारे फैक्टर निकाल देंगे। अपने को क्या निकालना है भी इस एलसीआर श्रेणी क्रम के अंदर परिपथ जुड़ा हुआ है तो धारा ये माननी थी हमने आई इक्वल टू आई जीरो ई की पावर है जे ओमेगा टी और धारा और वोल्टता के मध्य क्या है भी कलांतर को क्या है भी हमें डिराइव करना है।
तो आर्गन ग्राफ इस प्रकार से होगा, ये प्लस जे को डिनोट करेगा, ये तो क्या है भी आपका इमेजिनरी एक्सिस को डिनोट करेगी और ये आपकी रियल एक्सिस को डिनोट करेगी। तो देखिएगा ये तो क्या हो जाएगा भी आपका आर हो जाएगा ये एंगल मान लो आपका डेल, तो ये दूरी क्या होती है भी आपकी ओमेगा एल वन माइनस ओमेगा सी, तो ये दूरी सेम हो जाएगी, तो ये दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी आर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है यहां तक आपका? ये एक्सिस कितनी आ जाएगी भी आपका ये दूरी क्या मान लो भी आर, और या ये दूरी क्या हो जाएगी भी आपकी पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर मान लिया भी आर है, एंगल क्या है भी थीटा कितनी है डेल ले लिया, तो ये क्या हो जाएगी भी आपकी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी की स्क्वायर का रूट, यही चीज आएगी आर स्क्वायर प्लस का रूट, यही चीज आपके सामने क्या है भी यही फैक्टर निकल के आएगा। ठीक है, और ये फैक्टर किसके इक्वल हो सकता है भी, जेड इक्वल टू क्या है भी आपका आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये क्या आ जाएगा भी आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी की स्क्वायर, यही चीज आएगी भी आपका। जेड क्या हो गया भी आपका, ये है ए प्लस आयोटा बी, तो जेड का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपने क्या है भी लिख दिया, तो यहाँ पे इस फैक्टर के इक्वली क्या हो जाएगा भी ये जेड बार हो जाएगा, या भी जेड बार इसके इक्वल है और ये क्या है भी आपका आर के इक्वल है। ठीक है, तो आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो भी, एक तो ये फैक्टर आपके सामने निकल के आ गया, अब दूसरा क्या है भी यहां से एंगल निकाल लो आपका, जेड इक्वल टू क्या है भी आपका आर प्लस जे ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी, ये चीज है भी आपका क्लियर है यहां तक, जेड का मैग्नीट्यूड भी आपने क्या है भी डिराइव कर लिया। अब साइन क्या होता है भी आपका, साइन डेल लाल बटे कक्का, लंब क्या है भी आपका ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी, के क्या है भी आपका जेड की बार के बराबर है, तो ये ओमेगा एल वन माइनस ओमेगा सी कितना आ गया अभी आपका जेड बार साइन डेल हो जाएगा, कोस डेल क्या हो जाएगा अभी आपका आधार बटे कर्ण, आधार क्या है अभी आपका आर, कर्ण क्या है अभी आपका जेड बार, तो आर आपका क्या आ जाएगा अभी जेड बार कोस डेल हो जाएगा। आर की इस फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई, इस फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपके सामने निकल के आ गई, और एक आपका कौन सा फैक्टर और रह गया टेन, और निकाल लो टेन डेल, ये क्या हो जाएगा अभी लाल बटे कक्का लंब ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, आधार क्या हो जाएगा भी आपका आर, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो निकाल चुके हैं ना, नहीं नहीं निकालना, ठीक है ये फैक्टर आ जाएगा एक आपका, क्लियर है यहां तक आपका। अब देखिएगा इसके अंदर पुट करिएगा आपका जेड इक्वल टू आर क्या है भी आपका
जेड का मैग्नीट्यूड कोस डेल्टा, ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी क्या है भी आपका जे जेड साइन डेल्टा, तो जेड इक्वल टू जेड बार बाहर ले लो कोस डेल्टा प्लस जे साइन डेल्टा, जेड इक्वल टू ई की पावर जे डेल्टा, ये आ गया भी आपका, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और या इसको जेड की वैल्यू क्या है भी आर प्लस जे ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी, और ये क्या हो जाएगा भी आपका आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी की स्क्वायर ई की पावर जे डेल। ये चीज क्या है भी आपके सामने आ जाएगी। क्लियर है यहां तक आपका? अब देखिएगा भी आपने एक इक्वेशन फाइंड की थी जो प्रतिवादा वाला आपका जो याद हो तो आपको ये तो डेल्टा निकाल लो आपका क्या आ जाएगा भी टेन इनवर्स ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी अपॉन आर, ये ही चीजें भी आपके क्लियर है। आगे देखिएगा बीस से आगे आप एक आपने ये जो फैक्टर आया था आपके सामने कि अभी आई तो ये माना था अभी इक्वल टू आई आर प्लस जे ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी, ये चीज आपने एक रिलेशन के अंदर क्या है भी फाइंड किया था, ये रिलेशन आपके बीच के अंदर क्या है भी कहीं पे तो आया था। ठीक है, अब इसके अंदर देखते हैं भी इस फैक्टर की वैल्यू पुट कर लेते हैं भी ए निकालना है हमें आई आर प्लस जे ओमेगा एल वन माइनस ओमेगा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी ये हो जाएगी क्या हो जाएगी भी आपकी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल वन अपॉन ओमेगा सी की स्क्वायर ई की पावर जे डेल। ठीक है, क्लियर ना था? ये किसकी वैल्यू बराबर होती है भी इक्वल टू आई जेड बार ई की पावर जे डेल। क्लियर है यहां तक आपका? ठीक है, अब उससे आगे देखिएगा आप आई की वैल्यू पुट कर दो अपने आई जीरो जेड बार ई की पावर जे डेल ई की पावर जे ओमेगा टी, तो इक्वल टू क्या जाएगा भी आई जीरो जेड बार ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस डेल, और ये किसके इक्वल हो जाएगा भी आपका E0 के कुल मान लो I0 Z क्या हो जाएगा भी आपका E0 के हो जाएगा, तो I0 क्या जाएगा भी आपका E0 अपॉन Z की बार आ जाएगा, यही चीज आ जाएगी भी आपकी। क्लियर है यहां तक आपका? क्योंकि यहां पे ये क्या है भी धारा है, ये क्या भी वोल्टता है, ये क्या भी प्रतिबाधा है, तो V इक्वल टू क्या होता है आई आर होता है, जो प्रतिबाधा होती है वो ओम के रेजिस्टेंस के ही क्या होती है भी इक्वल होती है, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं तो आई इक्वल टू क्या आ जाएगा भी आपका E0 E की पावर J ओमेगा T प्लस डेल, तो यहां पे से बोल सकते हैं भी L भी किसी परिपथ के अंदर क्या है भी एलसीआर श्रेणीक्रम परिपथ के अंदर जुड़ा हुआ है और उसको क्या है भी प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती है, तो उस कंडीशन के अंदर परिपथ की जो आरोपित वोल्टता होती है वो धारा की कला से भी वोल्टता की कला धारा की कला से डेल कोण क्या होती है भी आगे होती है, तो क्या हो जाएगा भी
यहां पे एलसीआर युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला धारा की कला से एलसीआर युक्त परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता की कला धारा की कला से डेल कोण आगे होती है और डेल का मान यहां पे क्या है भी ये फैक्टर है, ठीक है। तो इसी चीज को क्या अभी हमें फाइंड करना था वो हमने फाइंड कर दिया। और एक रिलेशन ये भी लिखें तो इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो आई जीरो इक्वल टू क्या होता है भी आपका ई जीरो जेड की बार, तो आई जीरो ई जीरो और ये क्या हो जाएगा भी आपका रूट आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल माइनस वन अपॉन ओमेगा सी की स्क्वेयर। एक चीज क्या है भी आपके सामने ये ही निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या है भी इसको निकाल सकते हो, काफी ज्यादा सिंपल क्या है भी मेथड है भी। किसी परिपथ के अंदर प्रेरकत्व जुड़ा हुआ है, संधारित्र जुड़ी हुई है, धारिता जुड़ी हुई है, आर एल परिपथ है, आर सी एल है, एल आर है, इस प्रकार की कंडीशन आपने क्या है भी इस लेक्चर के अंदर पढ़ी और उसके अंदर क्या है भी वो धारा की कला और वोल्टता की कला के मध्य डिफरेंस क्या होता है, उस डिफरेंस के बारे में या कलांतर का मान क्या होता है वो आज आपने इस लेक्चर के अंदर क्या है भी डिस्कस किया। तो ठीक है, इससे आगे वाले लेक्चर के अंदर हम जानेंगे भी समांतर क्रम परिपथ के अंदर क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। ये तो सारे श्रेणी क्रम के अंदर चल रहे थे, समांतर एलसीआर परिपथ समांतर क्रम के अंदर जुड़ा हो और उसके अंदर प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित की जाती हो तो उस कंडीशन के अंदर कलांतर क्या होगा, किस प्रकार का बिहेवियर होगा वो डिस्कस करते हैं भी अगले लेक्चर के अंदर। आज के लिए ही इतना ही।